नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज जो खुद के खर्चे पर भवन बनाने जा रहा है। दरअसल यह कॉलेज रीवा का बहुचर्चित TRS कॉलेज है, जो अपने खुद के खर्चे पर कॉमर्स बिल्डिंग बनाने जा रहा है। गौरतलब है कि TRS कॉलेज अक्सर ही सुर्खियों में रहा है, कभी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर तो कभी गुणवत्ता विहीन शिक्षा व्यवस्था को लेकर। हाल ही में TRS कॉलेज में पानी की समस्या को लेकर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन अब TRS कॉलेज के नाम एक और उपलब्धि भी जुड़ने वाली है। यह कॉलेज प्रदेश का ऐसा पहला कॉलेज होगा जो स्वयं के 23 करोड़ खर्च कर अपना खुद का भवन तैयार करेगा। बता दें, कॉलेज 23 करोड़ रुपए खर्च कर ग्राउंड फ्लोर सहित 3 मंजिला का भवन बनाने जा रहा है। दरअसल रीवा का एक्सीलेंस ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में करीब 15,000 छात्र अध्ययनरत हैं। लगातार बढ़ रहे छात्रों के दबाव के कारण व्यवस्थाएं बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्रों की अधिक संख्या के चलते सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कॉलेज का संचालन करना पड़ता है। ऐसे में कॉलेज प्राचार्य ने एक नए भवन की नींव रखने की सोची और कॉलेज के फालतू खर्चों पर कटौती कर 23 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए और अब PIU के माध्यम से एक नया कॉमर्स भवन बनाने की तैयारी है। प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज को होने वाली आय से बचत कर 23 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं, जिसका उपयोग एक नए भवन को बनाने में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉलेज का पुराना छात्रावास खंडहर हो गया है, जिसकी जगह जल्द ही 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें सर्व सुविधा युक्त 50 कमरे होंगे। उन्होंने बताया कि कॉमर्स सेक्शन क्लास वहां लगेगी, एक ही शिफ्ट में सभी क्लास संचालित हो पाएगी। आपको बता दें कि खुद के व्यय से भवन बनाने वाला TRS कॉलेज पहला कॉलेज होगा। देखिए, अभी हमारा कॉलेज जो है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक लगता है और इसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस बार हम लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि पूरे बच्चे एक ही शिफ्ट में फिर कॉलेज में आ सकें। इस पूरे काम को पूरा होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। हमारा महाविद्यालय जो है, हमें लगता है कि ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा महाविद्यालय होगा जिसने अपनी स्वयं की निधि से 23 करोड़ रुपए इकट्ठे करके और उससे एक बिल्डिंग PIU के माध्यम से बनवाने जा रहे हैं हम लोग। और ये जो हमारे TRS का पुराना छात्रावास जो था, जो अब बिल्कुल गिर चुका है, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उस स्थान पर हमारा एक ग्राउंड फ्लोर प्लस 3, मतलब G+3 की एक पूरी बिल्डिंग बन रही है 50 कमरों की, और उसमें पूरी व्यवस्था जो है कॉमर्स के सेक्शन की हम वहां पर करेंगे, जिससे कि जो सुबह लगता है कॉलेज वो भी 10:30 से 5:30 के बीच में लगे। तो ये 23 करोड़ रुपए जो इकट्ठे हुए हैं, ये महाविद्यालय के जो बचत राशि है वह पैसा है, ये कहीं से किसी से भी मांग कर नहीं लिया गया है। ये हमारे कॉलेज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार यहाँ पे, हमें यही लग रहा है कि इस तरह का कोई प्रपोजल अभी किसी जनभागीदारी या किसी महाविद्यालय के द्वारा नहीं है। ये प्रपोजल पहली बार दिया गया है। पहली बार। और मतलब 50 कमरों की एक 3-4 मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 इतनी बड़ी बिल्डिंग का बनना, ये पहली बार हुआ है।